इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक जो यह मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वो होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है और अंत में दुनिया से अलविदा हो जाता है। आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रही है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। अनंत काल से ही यह बहस का विषय रहा है कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की ही बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। मित्रों, एक बार की बात है, एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच लड़ाइयां होती रहती थी। एक बार तो बात इतनी बढ़ गई कि बात युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चय ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वह वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अब युद्ध का दिन आया, दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थी और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जितना तो हमें ही है तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि जब जीत मेरे भाग्य में है फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पे गिर गया और घायल हो गया, और वह दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिए एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया, सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मानना शुरू कर दिया था, आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते।
और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें, हम जिस भी क्षेत्र में हों, स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग यानी जो सिर्फ भाग्य पे भरोसा करते हैं वो कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जितना तो हमें ही है तो घबराना कैसे। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि जब जीत मेरे भाग्य में है ही, फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पे गिर गया और घायल हो गया, और वह दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिए एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर यह कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया, सब कुछ भूल कर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मानना शुरू कर दिया था, आपने तो अपने घोड़े के नाल तक का ख्याल नहीं रखा, फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें, हम जिस भी क्षेत्र में हों, स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग यानी जो सिर्फ भाग्य पे भरोसा करते हैं वो कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। तो चलिए भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में वर्णित एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और श्रीहरि विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, और जो पाप कर रहे हैं उनका सब भला हो रहा है, उनके मजे ही मजे हैं। तब श्रीहरि विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है नारद, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। नारद बोले, प्रभु, मैं तो यह सब पृथ्वी लोक देखकर आ रहा हूं, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद, कोई ऐसी घटना बताओ जो तुमने देखा हो। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं पृथ्वी लोक के एक जंगल से आ रहा हूं, मैंने देखा कि वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था,
तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वह चोर गाय को फंसा हुआ देखकर भी रुका नहीं, बल्कि वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को दलदल में फंसा देख उसको बचाने की पूरी कोशिश की। साधु ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब कुछ दूर आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, अब आप ही बताइए यह कौन सा न्याय है? देवर्षि नारद की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, यह तो सही ही हुआ नारद। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो पहले से ही एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। परंतु प्रभु, नारद बोले, बेचारे उस साधु ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उसे गड्ढे में गिरकर मृत्यु क्यों मिली? तब श्री विष्णु भगवान ने नारद को समझाया, नारद, उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसे मृत्यु के समय बहुत ही कम दर्द का आभास हुआ और वह स्वर्ग के भागी बना। अब नारद जी संतुष्ट थे, इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह विश्व कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यानी जैसे कर्म वह करता है उसे उनका वैसा ही फल मिल जाता है। यहां कोई भी हेराफेरी नहीं होती, यह सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है, इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियां ही मिलती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही दुखी आदमी रहता था। उसके पास धन की कमी थी और उसका परिवार गरीबी की चपेट में आया हुआ था। वह अपने अच्छे दिनों की यादों में खोया रहता था और अपने भाग्य को दोषी मानता था। एक दिन वह एक बूढ़े ब्राह्मण के पास गया और अपनी समस्याओं का विवरण किया। ब्राह्मण ने उसे बताया कि उस भाग्य को दोषी ठहराने की बजाय अपने कर्मों के माध्यम से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। ब्राह्मण ने उसे अपने साथ अपने देश में यात्रा करने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान ब्राह्मण ने उसे ज्ञानवान संत मिले। संत ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी कठिनाइयों का समाधान बताया। संत ने कहा, भाई, तुम खुदा की कृपा से जीवन में सुखी हो सकते हो। खुदा तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें फल देता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो खुदा तुम्हें सुख देगा। उसके मन में एक नई आशा जागी। उसने ध्यान दिया और एक नेत्रों में चमक दिखाई दी। वह ब्राह्मण और संत के पास जाकर धन्यवाद किया और अपना आभार व्यक्त किया। उसने अपने कर्मों की प्रशंसा की और उन्हें अपने दुखों से निजात पाने के लिए धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगा और अपने कर्मों में लग गया। उसने अपने परिवार को संभालना शुरू किया और धन की कमी को दूर करने के लिए मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद उसके परिवार की स्थिति सुधारने लगी। धीरे धीरे धन का आगमन होने लगा और उसके जीवन में खुशियां आने लगी। वह अपने भाग्य को स्वयं ही बदलने की शक्ति पा चुका था। एक दिन वह फिर संत के पास गया और उसे देखकर धन्यवाद दिया। वह बताने लगा कि उसने कर्म के माध्यम से अपना भाग्य बदल दिया है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने सच में अपने भाग्य को बदल दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म दोनों में तालमेल होना चाहिए। हालांकि भाग्य एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम सच्ची मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और सबका भला करने का प्रयास करें तो हम खुदा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। मित्रों, भाग्य और कर्म एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और संघर्ष में निरंतरता से अग्रसर रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और समय के साथ सही अवसरों का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे पर कई मछलियां रहती थी। इन मछलियों में तीन मछलियों का एक समूह भी था, लेकिन तीनों मछलियों के स्वभाव में बहुत अंतर था। एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया।
मछुआरों को देखकर तीनों मछलियां घबरा गई। पहली मछली जान बचाने का उपाय सोचने लगी। उसने तुरंत समझदारी से काम लिया और अपने आप को एक मरे हुए केकड़े के अंदर छिपा लिया। जब वह मरा हुआ केकड़ा मछुआरों के जाल में फंसा तो उससे बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। मछुआरे ने सोचा कि यदि मैं इस केकड़े को नहीं फेंकूंगा तो इसकी दुर्गंध से बाकी मछलियां भी भाग जाएंगी। इसलिए उसने उस मरे हुआ केकड़े को तुरंत पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकते ही पहली मछली उस मरे हुए केकड़े से बाहर आ गई और नदी के उस भाग में जाकर छिप गई जहां मछुआरा पहले ही जाल फेंक चुका था, और इस प्रकार पहली मछली की जान बच गई। दूसरी मछली ने सोचा कि जब मछुआरे जाल फेंकेंगे तब बचने का प्रयास करेंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस मछली ने भागने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी जाल में फंस गई और मर गई। तीसरी मछली, जो हमेशा भाग्य के सहारे रहती थी, उसका सोचना था कि यदि मौत निश्चित है तो कोई नहीं बचा सकता, उसने बचने का प्रयास नहीं किया। वह भी जाल में फंसकर मर गई। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो लोग कोशिश करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि, यह तीनों चर्चा कर रहे थे, कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए लेकिन फिर भी यह तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो? तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और एक सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा उसी को महान घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा, यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि वे एक सप्ताह करके इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दुगना हो गया और वो प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज्यादा काटने लगा। यह देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज्यादा लकड़ी तो वह काट लेता था, लेकिन वह उतना ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितना कि वह पहले बेचता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक उसने ज्यादा लकड़ी तो काट लिया लेकिन उन सबको बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूं। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारी लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2-2 कुल्हाड़ी थी और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चला गया।
स्वर्ग में जाकर बुद्धि, कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हाँ, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहां बुद्धि होती है वहां कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है। इसीलिए बुद्धि को महान कहा गया है। रामायण की कथा तो सभी ने सुनी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा शीर्धवज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहां से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया, उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य हैं वे जानकी देवी और धन्य हैं वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहां होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नरतोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी, लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूं। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तब ही छोड़ूंगी जब श्री राम यहां आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भवती हूं, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, आप चाहें तो उसके बाद फिर से यहां आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी।
जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ, उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। इस कहानी से ये बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान राम हो या सीता। सभी को अपने कर्मों को फल भोगना पड़ता है। मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म किए थे, उसी के अनुसार ईश्वर उस जीव को मनुष्य, पशु पक्षी या कीट पतंग आदि की योनि उसके पिछले किए कर्मों के अनुसार देता है। इसमें मनुष्य योनि सबसे उत्तम व श्रेष्ठ है। साथ ही यह योनि अंतिम योनि होने से मोक्ष का द्वार भी है, जो जीव का मुख्य लक्ष्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर जीव को धरती पर भेजता है, इसलिए जीव का मनुष्य जीवन पाना उसके अच्छे किए कर्मों का फल है। जाति कभी बदली नहीं जाती, यानी वह जीव उम्र भर उसी योनि में रहेगा। आयु और भोग कम एवं अधिक हो सकते हैं। मान लीजिए किसी मनुष्य की आयु ईश्वर ने उसके किए कर्मानुसार 80 वर्ष कर दी है, वह मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण संयम से रहता है तो उसकी आयु 80 से अधिक हो जाएगी। यदि वह साधारण रूप से रहता है तो उसकी आयु 80 ही रहेगी, और यदि निम्न स्तर से रहता है तो उसकी आयु कम हो सकती है। भोग का तात्पर्य यह है कि वह जीवन में क्या खाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या नहीं, उसके सुख के साधन क्या हैं, उसके जीवन में सुख दुख कैसे आएंगे आदि, यह सब भोग में आता है। अच्छा, जीवन बिताने से आयु की भांति भोग भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य पर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था और माता सीता को उसके चंगुल से आजाद किया था। तभी से ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन उसके अहंकार की वजह से उसका अंत हुआ। रावण के एक जन्म के बारे में तो कहा जाता है कि लंका में वह राक्षसों का राजा था। रामायण में भी इसका बखूबी जिक्र मिलता है, लेकिन कुछ साक्ष्यों के अनुसार अपने पिछले जन्म में रावण राक्षस नहीं था। मान्यताओं के अनुसार चलिए जानते हैं रावण के पूर्व जन्मों के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जय विजय नाम के दो द्वारपाल हमेशा बैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर भगवान विष्णु की सेवा करते थे। एक बार सनकादि मुनि श्री हरि विष्णु के दर्शन करने आए, लेकिन उन्हें जय विजय ने रोक लिया। इस बात से क्रोधित होकर सनकादि मुनि ने उन्हें राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तभी विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने जय विजय को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। तब सनकादि मुनि ने कहा कि इनके कारण आपके दर्शन करने में मुझे 3 क्षण की देरी हुई है, इसलिए ये 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेंगे और तीनों ही जन्म में इनका अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। इसके बाद जय विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष नाम के दैत्य बने। कहा जाता है कि हिरण्याक्ष ने एक बार धरती को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया और धरती को वापस अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और ब्रह्मदेव से कई तरह के वरदान पाकर वह स्वयं को अमर समझने लगा। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का भी वध कर दिया। फिर जय विजय अपने दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। इस जन्म में रावण लंका का राजा था।
वहीं कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल था कि कई हजारों लोगों को भोजन पलक झपकते ही छट कर जाता है। तब भगवान विष्णु ने सातवें अवतार में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ श्री राम के रूप में जन्म लिया, फिर रावण और कुंभकर्ण का वध किया। कुछ साक्ष्यों के अनुसार तीसरे जन्म में जय विजय यानी रावण और कुंभकर्ण शिशुपाल व दंतवक्र के रूप में जन्मे। कहा जाता है कि शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र थे, लेकिन वे फिर भी उनसे बैर रखते थे। इनकी बुराइयों के चलते इस जन्म में श्रीहरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। भगवान राम को विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है। इस अवतार में अयोध्या के राजा दशरथ को राम के पिता और देवी कौशल्या को इनकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हो सकता है कि आपके मन कभी यह सवाल आया हो कि आखिर दशरथ और कौशल्या को यह सौभाग्य क्यों मिला, तो इसका उत्तर पुराणों में मिलता है। पुराणों के अनुसार राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे और कौशल्या इनकी पत्नी शत्रुपा थी। इन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और इनसे वर मांगने के लिए कहा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान से कहा कि आप हमारे पुत्र बने, हमें यही वरदान चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि त्रेता युग में मेरा सातवां अवतार राम के रूप में होगा। उस अवतार में आप दोनों अयोध्या के महाराजा और महारानी बनेंगे। अपने इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान राम दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिए। राजा दशरथ ही कृष्ण अवतार के समय वासुदेव और कौशल्या देवकी बने थे। कैकेयी ने राम से कहा था कि तुम मेरे, मैं तुम्हें अगले जन्म में पुत्र रूप में प्राप्त करूं। इसलिए कैकेयी यशोदा बनी और उन्हें भी कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य मिला। भगवान श्री राम त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके बारे में कई किस्से और कहानियां हम सबने पढ़ी हैं। आज हम आपको उनसे ही जुड़ी एक कहानी के बारे में बता रहे हैं, जब वे माता सीता अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए थे और रास्ते में माता सीता का रावण हरण कर लेता है। लंका विजय के कुछ समय बाद एक बार फिर माता सीता उनसे अलग हो जाती है और श्रीराम को माता सीता का वियोग सहन करना पड़ता है। माता सीता का उनसे अलगाव एक श्राप के कारण हुआ था। माता सीता की खोज के समय एक अप्सरा ने श्रीराम को श्राप दिया था, जिससे उनको विरह वियोग सहन करना पड़ा। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। बात उस समय की है जब हनुमान जी की मदद से भगवान राम और सुग्रीव में मित्रता हो जाती है। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली देवराज इंद्र का पुत्र था और किष्किंधा का राजा था। बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी लड़ेगा उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाएगा। इसके कारण वह सुग्रीव की संपत्ति पत्नी को छीनकर राज्य से भगा दिया था। सुग्रीव ने जब श्रीराम को अपनी व्यथा बताई, तब उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। भयभीत सुग्रीव श्रीराम के आश्वासन पर बाली से लड़ने पहुंच गए। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली कहां रुकने वाला था, वो सुग्रीव से लड़ने आ गया। दोनों के बीच गदा युद्ध होने लगा। इसी बीच भगवान श्रीराम ने बाण से बाली पर प्रहार कर दिया, जिससे वह युद्ध में मारा गया। जब इस बात की सूचना बाली की पत्नी अप्सरा तारा को हुआ, तो वह युद्ध स्थल पर पहुंची। उसे पता चला कि श्रीराम ने उसे छल से मारा है। पति की मृत्यु से आहत तारा ने भगवान राम को श्राप दिया कि आप भी भले ही सीता को खोज निकालें, लेकिन कुछ समय बाद आप दोबारा सीता को खो देंगे। जिस प्रकार से उसे पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना होगा। इतना ही नहीं, अगले जन्म में आपकी मृत्यु भी उसके पति के हाथों ही होगी। तारा के इस श्राप के कारण लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या पहुंचते हैं, तो कुछ समय बाद माता सीता वन चली जाती है। वहां महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती है। वहीं पर लव और कुश का जन्म होता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में जन्म लेते हैं, तब एक भील के बाण से ही उनकी मृत्यु होती है। वह भील बाली का दूसरा जन्म था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं आता अंजनी इंद्र के दरबार में अप्सरा थी। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। बालपन में वे अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा।
रश्मि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला रश्मि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब रश्मि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। रश्मि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सरा में से एक थी अंजनी, यानी अप्सरा पुंजिकस्थला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दें। तब पुंजिकस्थला ने बताया, किशोरावस्था में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत रोने लगी और माफी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजिकस्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकें तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर पुंजिकस्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई। उस शाप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वह एक शिकारण के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, वानर राज केसरी हैं, जो जब चाहें इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना, अंजनी ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर, उस समय पवन देव ने उसके कान में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वंद्य महाबली पुत्र होगा। इस आशीष के बाद वे शिव की आराधना और तपस्या में लीन रही। तब प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी तीन रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी 7 पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र कटोरी दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की तीनों रानियों को खिला दो, राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे तीनों रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ी सी खीर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। तब हनुमान जी, वानर मुख वाले हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में
चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। अंजना अंजनी के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को आंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी को वातात्मज भी कहा गया है। वातात्मज यानी जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। इस तरह माता अंजनी ने सिर्फ बजरंग बली को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर अवतरण लिया था। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता, व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पक्का हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है, आत्मा स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु है। इसी बात को कर्मयोगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। अगर व्यवहारिक दृष्टि से भी कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है, वह अपने कार्य अनुसार कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। कहा जाता है कि बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है।